हाय एवरीवन, बच्चों ये है आप लोगों के एक्टिव पैसे का वीडियो नंबर 25 और हम पहुँचे हैं टॉपिक नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें ना बच्चों मैंने दो विभाग एक साथ लिए हैं, एक तो ये पूर्ण भविष्यकाल और साथ में पूर्ण सहाय कारक क्रियापद, दोनों के सेंटेंस एक एक है बराबर। और आप जरा समझ लो इसको बराबर से। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, विल शैल विल प्लस हैव प्लस V3 यानी पूर्ण भविष्यकाल। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, हमारी जो चाबी है उसके हिसाब से बराबर। बच्चों ये जो पहला वाक्य है वो है पूर्ण भविष्यकाल का, और जो दूसरा वाक्य है वो है पूर्ण सहाय कारक क्रियापद। तो वो क्या है बच्चों, तो मैं आपको बोल दूँ, कैन, कूड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, उसको बोलते हैं सहाय कारक क्रियापद। और उसके साथ आया देखो ये पूर्णकाल, हैव प्लस से बड़े यानी पूर्णकाल, पूर्ण वर्तमान काल ऐसा नहीं समझना है, पूर्णकाल। तो मिक्स करो पूर्ण सहाय कारक क्रियापद, ठीक है बच्चों। और इसमें भी बिन जोड़ा जाएगा, मतलब एक हुआ सहाय कारक क्रियापद बराबर, और उसके साथ आया ये पूर्णकाल। ये पूर्ण वर्तमान काल आपको नहीं समझना है, हैव प्लस सेवड यानी पूर्ण वर्तमान काल नहीं समझना है, इसको आगे है ना सहाय कारक क्रियापद है ना, उस हिसाब से आपको समझना है पूर्ण सहाय कारक क्रियापद की रचना, ठीक है बच्चों। द डॉक्टर कुड हैव सेवड द चाइल्ड बराबर, ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चा है, व्यक्ति है, तो ऑब्जेक्ट द चाइल्ड, पूर्ण सहाय कारक क्रियापद, हैव बीन सेवड, आपको बीन भी यहाँ पे जोड़ना होगा। वापिस, द चाइल्ड कूड हैव बीन सेव्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ हार्ड या नया नहीं है, रूटीन है बराबर। तो आप जरा इसको ध्यान से देख लो, और मैं आगे के जो कुछ सेंटेंसेस है बराबर वो मैं आप लोगों को कॉपी में से समझाता हूँ। मैंने और भी सेंटेंसेस बनाए बराबर, देखो इधर दो वाक्य मैंने आप लोगों को सिखाए यहाँ पे, ठीक है। अब वाक्य नंबर 3 देखो बच्चों, वी विल हैव पास्ड द फाइनल एग्जाम बराबर। तो पहले एक बात मैं बता दूँ कि जनरली आई और वी के साथ शैल आता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ विल आता है। लेकिन ये बात मैंने पहले आपको बता दी है भविष्यकाल में, टेंस में भविष्यकाल में, लेकिन जो क्रिया निश्चित रूप से होने वाली हो बराबर, तो उसमें आप लोगों को आई और वी के साथ विल लगाना है। जो क्रिया अवश्य होने वाली हो, आप लोग अवश्य पास होगे, कन्फर्म पास होगे, कॉन्फिडेंटली पास हो गए, उसके कारण मैंने वी के साथ शैल के बदले विल जोड़ा, ठीक है बच्चों बराबर। द फाइनल एग्जाम ऑब्जेक्ट है, विल आया टू बी का रूप, विल हैव यानी टू बी का रूप, उसके बाद बीन जोड़ा, V3 पासड BY BY, वी का हुआ अस। दीपू विल हैव इटन खाउसा बराबर, ऑब्जेक्ट खाने की चीज है खाउसा, विल हैव बीन बराबर, तो बी का रूप आया, बीन जोड़ा, इटन बाय दीपू बराबर बच्चों। उसके बाद ये जो पांचवा वाक्य है वो है पूर्ण सहाय कारक क्रियापद, आप देख सकते हो कूड आया, उसके साथ पूर्ण काल आया। पूजा कुड हैव इन्वाइटेड मी आगे आएगा तो आई होगा, आई कुड हैव बीन इन्वाइटेड बाय पूजा बराबर बच्चों। और आगे का वाक्य, ही शुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, ये शुड आया, उसके बाद हैव सॉल्व्ड आया यानी पूर्ण सहाय कारक क्रिया, ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम शुड
हैव बीन विथ रिसॉल्व बी वाई बाय और ही का हुआ हिम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो चौथा टॉपिक था बराबर वो कंप्लीट। बराबर बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल का एक्टिव में से पैसिव पूरा और पूर्ण भविष्य काल के साथ मैंने आपको सिखाया पूर्ण सहायक कारक क्रियापद का भी एक्टिव पैसिव। ठीक है बच्चों, रेडी, हम आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। हाँ, छह सेंटेंस के बाद आप लोगों को दो और सेंटेंस भी बनाने हैं। बराबर, एक बनाना है पूर्ण भविष्यकाल का और एक बनाना है पूर्ण सहायक कारक क्रियापद का। ठीक है।